नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। आज बाबा टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत का दिल अंदर से बहुत रोया होगा, बल्कि यूं कहिए कि वो फूट फूट कर रोया होगा, जब उन्होंने अपनी ही यूनियन भारतीय किसान यूनियन पे कालिख होती हुई देखी। उन्होंने ये भी जरूर सोचा होगा कि उनकी औलादें किस तरीके से उनका नाम चमका रही हैं या उसे काली स्याही में, कालिख में डुबो रही हैं। आज जो कुछ भी हुआ कर्नाटक में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत पे एक शख्स ने स्याही फेंक दी, और ये घटना है बेंगलुरु के प्रेस क्लब की, जहाँ पे टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे हुए थे। और वाकये के दौरान टिकैत के समर्थकों ने स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया और उसकी जम के पिटाई कर दी। अच्छा, इस मौके पे उनके साथ उनके सहयोगी नेता युद्धवीर सिंह भी मौजूद थे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। अपने ऊपर स्याही फेंके जाने के मामले को लेकर के राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये सरकार की मिलीभगत है, उनकी सुरक्षा का इंतजाम पूरी तरह से नहीं किया गया, इसलिए वो इसमें सरकार को दोषी बता रहे हैं। और बेंगलुरु राकेश टिकैत क्यों पहुंचते हैं? दरअसल टिकैत एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के जरिए वीडियो पर सफाई देने के लिए पहुंचे थे। इस वीडियो में कर्नाटक के किसान नेता कोडीहल्ली चंद्रशेखर को पैसे मांगते हुए पकड़ा गया था। राकेश और युद्धवीर सिंह ये कहने पहुंचे थे कि वे इसमें शामिल नहीं हैं, और धोखेबाज किसान नेता कोडीहल्ली चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सब चीज़ें अभी होना बाकी थी, ये कहना बाकी था कि इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो जाती है, और इस दौरान एक दूसरे पे दोनों पक्षों ने कुर्सियां फेंकी, और राकेश टिकैत पे तो माइक तक फेंका गया। टिकैत के मुताबिक स्याही फेंकने और हंगामा करने वाले किसान नेता चंद्रशेखर के समर्थक थे। अब एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर के समर्थक थे, दूसरी ओर वो सरकार को दोषी बना रहे हैं। और किसान सभा के अध्यक्ष अवनीश पवार ने कहा कि जो भी हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और वहीं पे जो राकेश टिकैत हैं, उन्होंने प्रेस के सामने ये भी कहा कि वो स्याही से डरने वाले नहीं है। अब भले ही राकेश टिकैत ये कहे कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, लेकिन उन्हें ये डर सता रहा है कि वे अपने पिता के संगठन की गरिमा बनाए रखने की बात तो बहुत दूर की बात है, उनके संगठन को वो एक तरह से कालिख में डुबो चुके हैं। किसान आंदोलन के दौरान जो बातें बाद में उभर के आई, उससे बाबा टिकैत के यूनियन को काफ़ी बड़ा धक्का लगा, क्योंकि इस समय यूनियन दोफाड़ हो चुकी है और आपस में ही लड़े जा रहे हैं। यूं कहिए कि जो टिकैत बंधु हैं वो भी आपस में एका रखे हुए नहीं है। क्या कहते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए कि आने वाले दिनों में जो बाबा टिकैत की यूनियन है, किसान संगठन है उनका, क्या वो एक बैनर तले टिक पाएगा? मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।